नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फोर्ड की इको स्पोर्ट्स के साथ में होंडा की WRV को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में 7,000 रुपीज़ से लेकर 79,000 रुपीज़ का प्राइस गैप है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर आपके जहन में दोनों गाड़ियों को लेकर कोई भी सवाल या फिर डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपके साथ में दोनों गाड़ियों की प्राइस शेयर करूंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको WRV लेनी चाहिए या फिर फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। क्या WRV आपको इको स्पोर्ट्स से ज़्यादा बेहतरीन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है, क्या वो आपको WRV लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। दोस्तों मेरी पिछली 2-3 वीडियो से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर समझ नहीं पा रहा हूँ कि होंडा अपनी गाड़ियों के साथ में एग्जैक्टली करना क्या चाहता है, क्योंकि अमेज और सिटी के अलावा कोई भी गाड़ी उनकी ठीक ठाक फिगर्स में नहीं बिक रही है। होंडा जैस का BS6 अपडेट, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है, सिविक और CRV उसकी एक भी यूनिट नहीं बिक रही है। इनफैक्ट पिछले कई महीनों से दोनों गाड़ियां 0 यूनिट सेल की लिस्ट में शामिल हो रही हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों अगर हम सेगमेंट की बात करें तो एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से सभी गाड़ियों के बेस वेरिएंट यानी कि वेन्यू स्टार्ट होती है 6,70,000, नेक्सॉन 6,95,000, इको स्पोर्ट्स 8,17,000 और महिंद्रा XUV300 स्टार्ट होती है 8,30,000 रुपीज़ से। वहीं होंडा ने अपनी WRV को लॉन्च किया है 8,66,000 रुपीज़ से, जहां पर सेगमेंट आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करता है, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स मिल जाते हैं, मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, एयर प्योरीफायर मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड 7-speed DCT ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है। टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, चारों के चारों डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कई सारे फीचर्स हैं। साथ में साथ दोस्तों आपको मिलते हैं 6 एयरबैग और 7 एयरबैग्स का ऑप्शन। इसमें से कोई भी फीचर आपको WRV में देखने को नहीं मिलता, फिर भी होंडा अपनी गाड़ी के लिए एक प्रीमियम प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या ये होंडा हमें बताने की कोशिश करेगा कि किस बेसिस पर कंज्यूमर आए और उनकी गाड़ी को खरीदे? अगर होंडा अपनी सभी गाड़ियों के साथ में ऐसे ही करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब होंडा को इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। तो अगर आपके जहन में भी दोनों गाड़ियों को लेकर ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में। शुरुआत करेंगे सेगमेंट से, तो दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 6,70,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है लगभग 13 लाख रुपीज़ तक। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बराबर है, लेकिन इको स्पोर्ट्स विड्थ के मामले में 31 mm और हाइट के मामले में 46 mm ज़्यादा बड़ी है, वहीं WRV व्हील बेस के मामले में लगभग 36 mm ज़्यादा बड़ी है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो होंडा की WRV में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 90 PS की पावर जनरेट करता है 6,000 RPM पर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 4,800 RPM पर। वहीं इको स्पोर्ट्स में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 122 PS की पावर जनरेट करता है 6,500 RPM पर और 149 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 4,500 RPM पर। अब बात करते हैं डीजल की, तो WRV में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करेगा 3,600 RPM पर और लगभग 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1,750 RPM पर। वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में भी आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और ये भी आपको 100 PS की पावर जनरेट करता है लगभग
3750 आरपीएम पर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1700 से लेके 2500 आरपीएम पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है, तो एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो WRV का वजन है 1087 किलोग्राम से लेकर 1234 किलोग्राम तक, वहीं फोर्ड की इकोस्पोर्ट्स का वजन है 1246 किलोग्राम से लेकर 1302 किलोग्राम तक। चलिए लगे हाँ तो दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस पर भी बात कर लेते हैं। तो जहां पर होंडा की WRV में आपको मात्र 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वही फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। एक नज़र हम टर्निंग रेडियस पर भी डालते हैं दोस्तों, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो होंडा की WRV में आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वही फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 52 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और हमेशा की तरह लगे हाथों तो दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर भी बात कर लेते हैं। तो WRV में आपको 16.5 KMPL से लेकर 23.7 KMPL तक का कंबाइन माइलेज देखने को मिल जाता है, वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 16 KMPL से लेकर 21.7 KMPL तक का कंबाइन माइलेज ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बूट स्पेस के मामले में। तो जहां पर फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, वहीं होंडा की WRV में सेगमेंट का सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 363 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द व्हील्स या फिर अलॉयज की अगर बात करें, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें, तो एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, LED DRLs मिल जाते हैं, LED टेल लैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट फॉग लैम्प्स आपको मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, रूफ रेल्स आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करेंगी, इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाती हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको ऑफर किया जाता है, क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाती है। जहां पर WRV में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इको स्पोर्ट्स में आपको 9 इंच का मिलेगा। साथ में दोनों गाड़ियों में बेसिक फीचर्स जैसे कि AM/FM USB ऑक्सिन ब्लूटूथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा विद रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर एंड वॉशर देखने को मिल जाएगा, मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ में ABS प्लस ABD का फीचर दोनों गाड़ियाँ आपको ऑफर करती हैं। अब बात कर लेते हैं होंडा के WRV में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत छोटी लिस्ट है, मात्र 3 फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा फीचर है दोस्तों, इसमें आपको AC का कंट्रोल पैनल ऑपरेट करने के लिए किसी भी तरीके के बटन्स नहीं मिलते, एक टच बेस कंट्रोल पैनल मिलेगा, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि गाड़ी चलाते वक्त उसे ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यही चीज़ हम पिछली वाली पुरानी होंडा सिटी में भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तीसरा फीचर है दोस्तों, इसमें आपको मल्टीपल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको नॉर्मल व्यू, वाइड एंगल और टॉप डाउन का व्यू भी देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको होंडा की WRV में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रोमिक IRVM देखने को मिल जाएगा, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर देखने को मिल जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, हिल होल्ड असिस्ट देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, वहीं होंडा की WRV में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है। अब थोड़ी सी मेंटेनेंस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो WRV के मुकाबले में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स का मेंटेनेंस सस्ता आता है। फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस होंडा से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वारंटी के मामले में WRV की वारंटी ऑफर ज़्यादा बेहतर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि मेरे किसी भी वीडियो में
जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर WRV पेट्रोल का टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल में जिसका नाम है VX एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 9,86,929 रुपीस तक का। वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स का जो पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट है टिटेनियम प्लस, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 10,66,000 रुपीस का, जो कि WRV से लगभग 79,571 रुपीस महंगा आता है। वहीं डीजल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो होंडा का WRV डीजल टॉप एंड वेरिएंट है VX, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 11,09,069 रुपीस का। वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स का डीजल टॉप एंड वेरिएंट टिटेनियम प्लस, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलता है 11,16,500 रुपीस का, जो कि WRV से लगभग 7,431 रुपीस महंगा आता है। अब एक नजर डालते हैं दोस्तों कॉम्पिटिशन पर भी, तो इन दोनों गाड़ियों के अलावा सेगमेंट में आपको ह्यूंडई की वेन्यू, मारुति की ब्रेजा देखने को मिल जाती है, टाटा की नेक्सॉन मिलेगी और महिंद्रा की XUV300 जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती है। उनके साथ में ह्यूंडई की क्रेटा और किया की सेल्टोस भी इस सेगमेंट को कुछ हद तक काफ़ी तगड़ा कंपटीशन ऑफर करती हैं। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर और शुरुआत करेंगे होंडा की WRV से। तो फिलहाल इसमें किसी भी तरीके से आपको कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके जितने भी वेरिएंट्स है उसकी प्राइस काफ़ी ओवर प्राइस है, मेरे हिसाब से उसे 1,00,000 रुपए से कम होना चाहिए था। और होंडा की WRV में कंपटीशन के हिसाब से ये फीचरलेस कार है दोस्तों। अब मुड़ते हैं इको स्पोर्ट्स की ओर, तो इको स्पोर्ट्स में भी आपको डीजल में कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके टॉप एंड वेरिएंट्स भी थोड़े से ओवर प्राइस हैं, उनकी भी प्राइसिंग कम होनी चाहिए थी दोस्तों। उसके अलावा इको स्पोर्ट्स में रियर सीट पर आपको शोल्डर रूम और लेग रूम में स्पेस की कमी ज़रूर महसूस होगी, उसे थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था। साथ ही साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिज़ाइन है और जो डैशबोर्ड है उसे अप मार्केट और मॉडर्न एज के हिसाब से थोड़ा और बेहतरीन किया जा सकता था। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, तो मेरी राय में यहाँ पर क्लियरली फोर्ड की इको स्पोर्ट्स विनर साबित होती है, क्योंकि इको स्पोर्ट्स हमें कई ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स के साथ में आती है, बेटर सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, बेटर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, बेटर राइड एंड हैंडलिंग ऑफर करती है, बेटर कम्फर्ट ऑफर करती है, बेटर इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट ऑफर करती है, पेट्रोल में ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन ऑफर करती है और इसमें आपको 6 एयरबैग्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से मेरी राय में यहाँ पर फोर्ड की इको स्पोर्ट्स क्लियर विनर साबित होती है। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे लिए मैं हर हाल में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स लेना पसंद करूँगा, चाहे फिर वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। अब ये आपको तय करना है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आप कौन सी चीज़ों को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और आपने दोनों में से अपने लिए कौन सी गाड़ी चुनी ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आपकी राय में आज की इस वीडियो में दोनों में से कौन सी गाड़ी जीती है, इस राय का भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।